राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे जनता से प्यार और समर्थन मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों के सीने पर सांप लौट जाते हैं, जिनके भौकाल को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जो कभी सरकार में रहते हुए अपनों से बगावत करने से भी नहीं चूकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाबा किरोड़ी लाल मीना की, एक ऐसे नेता जो पेशी से डॉक्टर है लेकिन धोती कुर्ते में उनका गजब भौकाल देखने को मिलता है। ये MBBS होकर भी राजस्थान की गलियों में धोती कुर्ता पहनकर घूमते हैं। इनसे राजस्थान का लगभग हर नेता खौफ खाता है, क्योंकि बाबा का गुस्सा कई बार बाबा के ही कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए जनता उन्हें बाबा किरोड़ी के नाम से पुकारती है। राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी बाबा के नाम को भूल पाना लगभग नामुमकिन है, और शायद इसीलिए बीजेपी ने उन्हें सवाई माधोपुर की सीट से उतारा, ताकि बाबा पूर्वी राजस्थान में जीत दिला सके, जीत जान लगा सके। वहीं बाबा के समर्थकों में एक बार फिर से इस फैसले के बाद उम्मीद जगी है कि जीतने के बाद शायद उन्हें CM बना दिया जाए। आज हम आपको इसी कद्दावर नेता के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। कौन है बाबा किरोड़ी लाल मीणा? कैसा है इनका रौब और रुतबा? क्या पूर्वी राजस्थान में दिला पाएंगे जीत? पायलट की उड़ान पर लगा पाएंगे रोक? पूर्वी राजस्थान में बीजेपी लंबे वक्त से बढ़त नहीं बना पा रही है। इन सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का प्रभाव रहा, जिसके चलते कांग्रेस लीड कर रही है। ये भी कहा जा रहा है साल 2018 के चुनाव में पूर्वी राजस्थान की 58 सीटों के कारण ही भाजपा सत्ता से बाहर हुई। साल 2008, 13 और 18 के चुनावों की बात करें तो यहाँ बीजेपी का खास प्रभाव नहीं रहा। ऐसे में इन सीटों पर प्रभाव जमाने के लिए बीजेपी ने प्लान के तहत सांसद किरोड़ी लाल मीणा को तवज्जो दी है। दौसा से ताल्लुक रखने वाले मीणा एक अकेले ऐसे नेता हैं जो ग्राउंड पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लोगों की आवाज उठाने के चलते 24 बार सांसद मीणा को अपनी गिरफ्तारी भी देनी पड़ी। गुजर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में सांसद मीणा सिर्फ अपने समाज में ही नहीं बल्कि सर्व समाज में अपनी पैठ रखते हैं। लोग उन्हें बाबा के नाम से भी जानते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का जन्म दौसा के एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई में होशियार थे, लिहाजा डॉक्टर बन गए। डॉक्टरी छोड़ वे राजनीति में आए। 1985 में बीजेपी के टिकट पर दौसा की महवा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। किरोड़ी ने 1989 में पहला लोकसभा चुनाव जीता। आदिवासी समुदाय से आने वाले किरोड़ी लाल मीणा 2003 से 2008 तक वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता है जो अपनी सरकार से भी बगावत करने से कभी पीछे नहीं हटे। उनके उसूल बेहद पक्के हैं। इन्हीं उसूलों के चलते उनके साल 2008 में अपनी ही सरकार से ठन गई थी, जब बाबा ने छोड़ दिया था वसुंधरा का साथ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से नाराजगी के चलते साल 2008 में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया। साल 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले डॉक्टर मीणा ने PS संगमा की पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी का हाथ थाम लिया। 134 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारे। NPP के टिकट पर डॉक्टर मीणा, उनकी पत्नी गोलमा देवी, नवीन पिल्लानिया और गीता देवी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 4 सीटें जीतने के साथ ही 11 सीटों पर NPP के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे और कई सीटों पर चुनावी समीकरण को भी बिगाड़ दिया था। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाम राजस्थान में NNP को 13,12,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2018 में फिर से बीजेपी की हवा चली और मीणा को फिर से भाजपा में शामिल करा लिया गया। बाबा के गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती। बाबा करीब 45 सीटों पर अपना वोट बैंक रखते हैं। अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, झालावाड़, टोंक, उदयपुर, कोटा, बर्रा, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये वो जिले हैं जो मीणा बाहुल्य जिले हैं, जहाँ बाबा का वोट बैंक यानी मीणा समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। बाबा के इसी वर्चस्व के चलते मोदी को भी उन पर भरोसा है। हालांकि समर्थक ये चाहते हैं कि बाबा ही राजस्थान के अगले CM बने, लेकिन कई बार बाबा का गुस्सा घातक भी साबित हो जाता है। इस बार किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों को उम्मीद है कि उन्हें मुखिया बनाया जा सकता है। वैसे तो ये समय बताएगा कि बीजेपी किसे CM पद पर बैठाती है, लेकिन क्या आप किरोड़ी बाबा को मुखिया बनते देखना चाहते हैं या फिर नहीं?